इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके सिबिल में या आपके क्रेडिट स्कोर में किसी गलत कंपनी का वहाँ पे अगर सिबिल डेटा शो हो रहा है, जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर लो हुआ है या नेगेटिव में हो गया है, तो उसको हम कैसे रिमूव करवा सकते हैं। तो बेसिकली मैं इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल तरीका बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है और आप ईजिली रिमूव करवा सकते हो। तो उस केस में मैं आपको बता दूं कि देखो, पहला केस क्या होता है कि अगर वो किसी बैंक सेक्टर में डाला है, बैंक सेक्टर इन द सेंस कि किसी HDFC ने डाल दिया, एक्सिस बैंक ने डाल दिया, ICICI ने डाल दिया है, तो कोई एक ये जो बैंक सेक्टर होते हैं बेसिकली ये आते हैं अंडर फाइनेंस ही हैं, जैसे कि आप लोन वगैरह की आप बात कर लो या बैंक सेक्टर। तो मैं यहाँ पर पर्टिकुलर बात करूँ बैंक सेक्टर्स की, तो जो बैंक सेक्टर्स में होते हैं तो उसमें क्या है, ईजी वे होता है कि उनकी ईमेल आईडी आपको फाइंड आउट हो जाती है, उनके पोर्टल पे मिल जाती है और अब उनको मेल करो और डेली फॉलोअप लो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ टाइम बाद आपका सिबिल स्कोर करेक्ट हो जाएगा, एटलीस्ट वो जो एंट्री एक पड़ी हुई है वो वहाँ से डिलीट हो जाएगी। एंड दूसरा वे क्या होता है, या जो फाइनेंस सेक्टर की कंपनी होती हैं, जैसे कि हीरो फिनकॉर्प हो गया, JP Morgan हो गया, या जितनी भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, या लोन एप्लीकेशन वगैरह ये होते हैं, तो इनके क्या होते हैं कि पर्टिकुलर पोर्टल होते हैं या पर्टिकुलर ईमेल आईडी होती है उनके डेटाबेस में। तो आपको उनकी ईमेल आईडी पे रिप्लाई करके स्क्रीनशॉट और लोन नंबर जो आ रहा हो या क्रेडिट नंबर जो भी आ रहा हो, वो उनको एप्लीकेशन पे जो एक ईमेल आईडी होती वो उनको भेजना पड़ेगा, ईमेल आईडी होती वो उनको उस पे भेजना पड़ेगा, इसके बाद वो रिमूव होता है। एंड इवन कई बार आपको वहाँ से कॉल भी आता है तो कॉल का रिस्पॉन्ड करके आपको वहाँ से सही कराना होता है। थर्ड केस में क्या होता है कि जहाँ से आप अपना सिबिल डेटा चेक करते हो, वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इनकरेक्ट सिबिल रिपोर्ट या रिपोर्ट इनकरेक्ट सिबिल, तो वहाँ पे जाके आप सिंगल क्लिक करोगे, वहाँ से भी आप अपना इनकरेक्ट सिबिल चेक कर सकते हो या रिपोर्ट कर सकते हो सही करने के लिए। बट मैं आपको बता दूं, आई थिंक वहाँ पे 95-99% आपसे चार्ज लेते हैं मंथली बेसिस या ईयरली बेसिस पे, तो अराउंड 400-500 रुपये आपको देने पड़ जाएंगे सिर्फ आपका सिविल स्कोर वहाँ से अगर इनकरेक्ट भी है वहाँ से हटवाने के लिए। लेकिन सबसे इजी वे आपको लास्ट वाला होता है, क्योंकि वहाँ पे आप प्रीमियम दे रहे होते हो, अपना कुछ अमाउंट दे रहे होते हो, तो वहाँ से जल्दी होता, बाकी बैंक सेक्टर में जल्दी होता, और एप्लीकेशन टाइप का अगर इनकरेक्ट होता तो वहाँ पर बहुत मुश्किल होता है। तो अगर इन सबको मिला लो आप, बैंक सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर और एक एप्लीकेशन वाला, ये सारा का सारा आप रिपोर्ट इन द लास्ट सिबिल में भी, सिबिल की वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हो, रिपोर्ट इन करेक्ट सिबिल डेटा, वहाँ से भी जाके आप सारा का सारा कर सकते हो, ताकि आपको अगर कहीं जॉब मिल रही है किसी फाइनेंस सेक्टर में तो आपका सिबिल अच्छा हो वहाँ पे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।